हेलो फ्रेंड्स, मिशन MPPSC में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साल 2020 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में। साल 2020 का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यह तीन लोगों को मिला है, रोजर पेनरोज, रेनहर्ड और एंड्रिया को। इन तीनों वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि रोबर पेनरोज को पुरस्कार की 50% राशि दी जाएगी, जबकि 25% रेनहर्ड तथा एंड्रिया को दी जाएगी। आगे हम देखते हैं कि रोजर पेनरोज को गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के मजबूत पूर्वानुमान के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जबकि रेनहर्ड गेंजेस और एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। आगे हम इनकी खोजों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रोजर पेनरोज की ब्लैक होल से संबंधित खोज को। रोजर पेनरोज ने यह साबित किया है कि ब्लैक होल वास्तव में होते हैं, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो उसमें उन्हें खुद पर यह विश्वास नहीं था कि ब्लैक होल का अस्तित्व होता है। आइंस्टीन ने ब्लैक होल के संबंध में केवल अनुमान लगाया था, जबकि इस संबंध में रोजर पेनरोज ने आसान गणितीय भाषा में ब्लैक होल के अस्तित्व को साबित किया है, जो कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। जनवरी 1965 में ही पेनरोज ने यह बताया था कि ब्लैक होल में ऐसी विलक्षणता या सिंगुलरिटी होती है कि उनके सामने प्रकृति के या भौतिकी के सभी नियम समाप्त हो जाते हैं। यह आइंस्टीन के बाद सापेक्षता के सिद्धांत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आगे हम देखते हैं रेनहर्ड और एंड्रिया की खोज को। रेनहर्ड और एंड्रिया ने सम्मिलित रूप से सुपरमैटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है। रेनहर्ड और एंड्रिया ने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीनों का उपयोग करते हुए मिल्की वे के केंद्र में जो विशाल बादल होते हैं उनके पार देखने का प्रयास किया है, तथा उन्हें मिल्की वे के केंद्र में सुपरमैटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिला है, जो कि ब्लैक होल के अभी तक के सबसे ठोस सबूत हैं। एक बार पुनः हम इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम रिपीट कर लेते हैं। रोजन पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। रोजन पेनरोज को प्राइस का 50% मिलेगा तथा इन दोनों वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से प्राइस का 50% मिलेगा। रोजन पेनरोज को ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को सुपरमैटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और अभी के लिए बस इतना ही।